नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल और मैं हूं आपके साथ प्रीति। नींद में हम अनेक प्रकारों के सपने देखते हैं, जिसमें से कुछ सपने अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे। कई बार सपने में हमें लड्डू गोपाल नजर आते हैं। सपने में लड्डू गोपाल को देखना क्या अच्छा सपना माना जाता है, या सपने में लड्डू गोपाल दिखना भविष्य में कुछ बुरा होने का संकेत देता है? आइए जानते हैं। सपने में लड्डू गोपाल दिखना, लड्डू गोपाल कृष्ण भगवान के बचपन का रूप है। जब सपने में हमें लड्डू गोपाल नजर आते हैं तो इसे बहुत ही शुभ सपना माना जाता है। ये सपना संकेत करता है कि आप बहुत ही भाग्यशाली इंसान हैं और आपके ऊपर भगवान कृष्ण की विशेष कृपा बनी हुई है। वहीं यदि कोई गर्भवती महिला सपने में लड्डू गोपाल को देखती है तो ये सपना संकेत करता है कि आने वाले समय में उस महिला को जो संतान प्राप्ति होगी वह लड्डू गोपाल की तरह प्रभावशाली और सबको मोहित करने वाली होगी। उसकी वाणी बहुत मधुर और बुद्धि कुशाग्र होगी। यदि कोई बीमार व्यक्ति सपने में लड्डू गोपाल को देखता है तो इससे सपने का अर्थ होता है कि आने वाले समय में उस व्यक्ति की बीमारी पूरी तरह से ठीक होने वाली है, उसे आरोग्य की प्राप्ति होगी। वहीं यदि कोई विद्यार्थी सपने में लड्डू गोपाल को देखता है तो ये सपना संकेत करता है कि उस विद्यार्थी का मन पढ़ाई में बहुत अच्छे से लगेगा अवसर और जिनका लाभ उठाकर ये जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करेगा। सपने में लड्डू गोपाल को मुस्कुराते हुए देखना अच्छा सपना है। सपना संकेत करता है कि आने वाले समय में आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। आपके जो शत्रु आपको सभी कष्ट पहुंचा रहे हैं और आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उन शत्रु पर आने वाले दिनों पे आपकी विजय होगी। वहीं अगर बात करें सपने में लड्डू गोपाल की मूर्ति देखना भी अच्छा होता है। ये सपना संकेत करता है कि आने वाले दिनों में आपके घर में मेहमान आ सकते हैं। ये मेहमान आपके मित्र या परिवार से हो सकते हैं। इस सपने का एक अर्थ ये भी निकलता है कि आने वाले दिनों में आपको संतान की प्राप्ति होने वाली है। यदि आपकी अभी भी शादी हुई और आपको कोई संतान नहीं है तो बहुत ही जल्द आपको संतान की प्राप्ति होगी। सपने में लड्डू गोपाल को झूला झलते हुए देखना बहुत ही शुभ है। यह सपना संकेत करता है कि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने वाले हैं और आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होगी।